नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख रहे मौजूद। अरुणाचल विधानसभा में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित। फहराया गया 130 फीट ऊंचा तिरंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में हियो और तातो वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेश को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना और आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को भी दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने जॉन अब्राहम फुटबॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर किया करार। इधर एमटीबी तवांग का 7वां संस्करण शुरू। देश विदेश के प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख भी उपस्थित थे। संविधान दिवस पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ईस्ट ग्लोरियस जर्नी नामक दो पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण और भारत के संविधान की कला को समर्पित एक पुस्तिका भी जारी की गई। उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से देश की न्यायपालिका हमारे न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। न्यायपालिका विचाराधीन कैदियों को और जेल सुधार के विषयों पर भी कार्यरत है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ विस्तृत होता रहा है। अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश प्रति जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। माननीय सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एकता और लोकतांत्रिक भावना के प्रतीक के रूप में 131 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। संविधान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते, उपाध्यक्ष कार्दो निंग्योर, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विधायक मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ ही हमें राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कॉलेज और स्कूल लेवल पर सेमिनार, निबंध लेखन और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन माध्यम से आई थिंक एजुकेशन एंड
असेंबली आप लोग ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करके हर एक कॉलेज स्कूल्स में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक स्टेप रहेगा और हमारा टारगेट है कि विद इन थ्री इयर्स उसको 100% इन टोटो गांव में हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद इन थ्री इयर्स थ्री फाइनेंशियल ईयर्स। तो जहां जहां अभी एजुकेशन सबसे हम लोगों का मेन है मेन बैकबोन कि 3 साल में एजुकेशन का सबसे बड़ा रिफॉर्म हम लोग करके लेके आएगा, अदरवाइज अरुणाचल का जो फ्यूचर है हमारा युवा पीढ़ी लोग है और युवा पीढ़ी लोगों को जो एक क्वालिटी नहीं होगा दे कांट लीड आवर स्टेट। तो युवा पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए हम लोग बड़ा रिफॉर्म हम लोग लेके आ रहा है। अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंटिन्यूड टू इवॉल्व एड्रेसिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी while remaining true to its core values. The government has spearheaded critical constitutional amendments to strengthen India's democratic fabric and foster socio-economic growth. As part of the Constitution Day celebration, the government of India has proposed to launch a special campaign on the Samvidhan Divas, when all the states, UTs, taking advantage of the provision of Section 479 of the BNSS will provide relief to the under trial prisoner by following the due process. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1,939 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। समिति ने तातो वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर 1,750 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये, 90% रेनफॉल जितनी चाहिए उतनी अगर बारिश में होती है तो। एग्जीक्यूशन इसका नीपको करेगा और अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, 12% पावर फ्री मिलेगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट्स रहेंगे और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश की इक्विटी है उस इक्विटी पे रिटर्न भी आएगा। इस प्रोजेक्ट में 1,939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल के लिए भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है तातो वन, ये 186 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हियो प्रोजेक्ट आपने देखा, हियो के प्रोजेक्ट से जो पानी आएगा टेलिंग जिसको कहते हैं टेल वाटर, उस टेल वाटर से तातो में बिजली जनरेट होगी, यानी सेम वाटर फ्लो को दो बार उसका उपयोग इसमें होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ही अच्छा हाइड्रो बेसिकली इकोलॉजिकली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें और बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, विशेषकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स का बहुत विशेष ध्यान इसमें रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके तहत मौजूदा तंत्र को पूरी तरह से उन्नत बनाया जाएगा और इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल होगा। उन्होंने बताया कि पैन 2.0 के तहत मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय होंगे। जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा,
पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कमर्शियल वर्ल्ड से आती थी, कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं मानमाड़ जलगांव रेल लाइन, भूषावाल खड़वा रेल लाइन और प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दे दी है। यह सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल तथा पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए रिसर्च नोट्स और जर्नल के प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने जॉन अब्राहम फुटबॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार किया है। नामसाई में अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे और बॉलीवुड अभिनेता और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के प्रमुख जॉन अब्राहम की मौजूदगी में राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तर के प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन हैव एंटर्ड द MOU विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और आप सबको पता है कि पिछले कई सालों में नॉर्थ ईस्ट FC जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपना जॉन जी को देता हूँ, क्योंकि इनका पैशन के कारण से एक फुटबॉल में हम लोगों को एक नया लहर देखने को मिला है। सो ओवर द इयर्स एनी UFC बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अरुणाचल प्रदेश में हमारा काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और खास करके आज का ये MOU का डिटेल आप लोग ने अभी सुन लिया है। सो हम लोग बेसिकली उसको ग्रास रूट जो फुटबॉल को उसको हम लोग हंट करेंगे, टैलेंट हंट, जिसमें एनी UFC एक्सपर्टीज का तौर पर वो लोग पूरा हैंड होल्ड APFA को करेंगे। So to start with two places, one Itanagar, to be more precisely, precise, that's in Doimukh, जो stadium है, Golden Jubilee Stadium, उसको हम लोग take up करेंगे और Namsai में अभी एक stadium बन रहा है, तो उसको भी हम लोग take up करेंगे। North East United FC के साथ tie up कर रहा है to provide expertise for youngsters, क्योंकि मेरा मानना है कि grassroots बहुत ही important है और grassroots से you identify youngsters that can finally play in the Indian national team. वो हमारा मकसद है। We would love for them to play for North East United FC as well. MTB तवांग का 7वां संस्करण तवांग में शुरू हो गया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में तवांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रिंचिन नीमा, पुलिस अधीक्षक DW थोंगन सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जो MTB यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ कर रहा है ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि मैं हमेशा जोर देता हूँ कि तवांग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एरिया है, तो यहाँ पे जितना एक्टिविटीज़ हम करते हैं टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर में, तो ये हमारे पूरे देश में तवांग। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की ईटानगर क्षेत्रीय इकाई द्वारा आज देहरानाथुन गवर्नमेंट कॉलेज में विकसित भारत एट
2047 विषय पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। देरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से आयोजित 3 दिन की इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त तालो पोतम, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र ईटानगर के प्रमुख दीपक कुमार, सीबीसी ईटानगर के प्रमुख प्रशांत दास, डीएनजीसी के प्रिंसिपल एमक्यू खान और कॉमर्स विभाग के एचओडी डॉक्टर अशोक पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। से ऊपर है और मेरा हिसाब से 10,000 का आसपास का डी स्कूलर को मिला के होता होगा। इन लोग आना चाहिए, देखना चाहिए। ये 2-3 दिन का प्रोग्राम है। इवन हमारा टीचर लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर लोग को आप लोग भी देखिए, देख के बात कीजिए। ये जो स्वच्छता का बहुत बड़ा आंदोलन और कैंपेन चल रहा है, इतनी हजारों गाड़ियां और लाखों लोग लगे हुए हैं, फिर एनजीओज भी है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी है, कई संस्थाएं काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी आज हम सफाई कराते हैं और कल फिर वहीं पे गंदगी हम ही फेंक देते हैं। तो ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है जिसको लेके ये प्रोग्राम है। आप लोग जरूर अपनी जागरूकता बढ़ाएं और साथ में अपने लेवल पे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विकसित भारत को बनाने में, वो सिंपल है, प्रोसेस सिंपल रखना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर लोग यहाँ बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बीच कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत चीन सीमा से लगे अपर सुबानसिरी जिले के बॉर्डर विलेज ताक्सिंग, नालंदा बुद्धिज्म और दकपा शेरी धार्मिक स्थल के महत्व पर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट की 4th बटालियन के सीईओ मेजर अशोक, आईटीबीपी की 31वीं बटालियन के डेप्यूटी कमांडेंट वीरेंद्र सिंह, अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त के सदस्य रिटायर्ड IAS अधिकारी यशी शेरिंग, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य शेरिंग नाकसेंग, भूमि प्रबंधन विभाग के निदेशक ममता रीबा, गृह विभाग के संयुक्त सचिव कर्मा लेकी, जिला परिषद सदस्य नातुक मरा और ना वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ताचे चादर सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान दो देशों के बीच सारी पिलग्रिमेज रूट को रिवाइव करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।